आँख नहीं के खुलत बा, आँख नहीं के खुलत बा, अलोका तो नहीं। कितना दिन से यहाँ है? 5 दिन हो गए। सर 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं सर, लोग बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, खाली है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू पर है, ऐसा भारत लैब की टीम नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियां कहती है। लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा इस बात की दावा की जाती है कि कोरोना के मामले में हो चाहे अलग अलग जो भी मामले, गंभीर मामले बिहार के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड हैं, सभी पर बिहार सरकार विधिवत रूप से ध्यान दे रही है, सुचारू रूप से ध्यान दे रही है और जो भी समस्याएँ हैं उसका निदान किया जा रहा है। बिहार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हालाँकि ये और बात है कि भारत लैब की टीम ने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से पटना के गर्दनीबाग जो अस्पताल है उसमें 8 दिनों से लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, RT-PCR टेस्ट की क्या जो रिपोर्ट आती है उसको लेकर के क्या हकीकत है, तमाम चीज़ें भारत लैब की टीम आपको दिखा रही है। लेकिन आज ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने RT-PCR टेस्ट के जो 4 निःशुल्क वैन है उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। टीका एक्सप्रेस को रवाना किया गया है, 121 टीका एक्सप्रेस को बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कस्बों में भेजा गया है। उस टीका एक्सप्रेस से लोगों को गांव कस्बों में जाकर के टीका एक्सप्रेस के माध्यम से सरकार मुफ्त में कोरोना वैक्सीन किया जो है टीका है उसे लगाने के प्रबंध में है, जुगाड़ में है, जुगत में है। लेकिन इस वक्त देखें हम तो IGMS में हैं। IGMS में अगर बात करें तो ब्लैक फंगस को लेकर के भी कुछ दिन पहले से ही हंगामा बरपा हुआ है बिहार में के भीतर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल को 100 डोज ब्लैक फंगस की जो दवा है, इंजेक्शन है, वो दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप उन्हें, पेशेंट जो भी होते हैं उन्हें पटना रेफर कीजिए, यानी कि मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं होगा। लेकिन अब जब IGMS में भी कुछ दिन पहले ही इस बात की जो बातें सामने आई थी, ये बात सामने आई थी कि यहाँ भी ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत चल रही है, लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हर जगह लोगों को जो है ब्लैक फंगस की दवा और अन्य चीज़ें और सुविधाएं मौजूद करा दी गई है। लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और है। चलिए हम जानकारी लेते हैं, आप कहाँ से आए हैं? सर आरा से हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल? सर 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं सर, लोग बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, खाली है। तो बेड खाली नहीं है? जी। क्या समस्या क्या है? समस्या है सर कि दाएं वाला आँख बंद हो गया सर। आपका? नहीं, मम्मी का बंद हो गया सर। आपकी माँ का दाएं? जी जी जी। ब्लैक फंगस के बारे में बताया जा रहा है? जी जी। तो इसको लेकर के यहाँ कहाँ आरा में इलाज नहीं हुआ उसका? जी नहीं। क्या बोला गया आरा में? सर वहाँ से बोला गया कि ले जाओ पटना MRI टेस्ट कराओ। वहाँ आकर MRI टेस्ट कराया सर। उसके बाद में सर बोले कि ठीक है भर्ती करो। भर्ती में गया तो सर ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ बेड अभी खाली, बेड खाली नहीं। जी 3 दिन से लगा रहे। जी जी। किस किस से रिक्वेस्ट किए हैं यहाँ प्रशासन से? सर सर जितना था सर मैं सबसे सर कह के हार चुका हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि भर्ती हो जाएगा, बेड खाली हो जाने। मतलब बेड की दिक्कत है, बेड की समस्या। जी जी। अपनी माँ को दिखाइए, आपकी माँ को लेकर क्या आए हुए हैं सर? MRI टेस्ट में क्या रिपोर्ट आया? सर MRI टेस्ट में डॉक्टर लोग सर बोल रहे हैं कि मतलब फंगस का है सर। फंगस का है? जी जी। और उसके बाद यहाँ आप 3 दिन से कह रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आपको एडमिट नहीं किया जा रहा है? जी नहीं। और पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है? जी नहीं। क्या करते हैं, रोजगार क्या है? सर हम बेरोजगार हैं सर। बेरोजगार हैं? जी जी। कोई काम नहीं हो रहा? जी नहीं, इस समय कौन सा काम है सर, बाहर भीतर भी रहते थे सर, सब बंद हो गया। ऐसे में जब बाहर हैं, एडमिट नहीं हो रहा है तो रात को कहाँ रहते हैं? सर यहीं पर रहते हैं, गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे रहने दिया जाता है रात को? जी किसी तरह सर अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद क्या बोला गया, कितने देर? सर उम्मीद बोला गया सर यही कि मतलब सब्र करो, बेड खाली हो जाता है तो मतलब भर्ती कर लेंगे। बेड खाली होगा तो भर्ती कर, तब तक आप बाहर इंतजार कीजिए। जी जी। ऐसे ही इंतजार कर? जी। आपकी माँ है? जी। देखिए आपकी माँ का क्या नाम है? लखमानो देवी। क्या नाम है चाची? लखमानो देवी। कहाँ घर? भर्ती यार। की दिक्कत? आँख नहीं के खुलत बा। आँख नहीं के खुलत बा, अलोका तो कितना, नहीं। कितना दिन से यहाँ है? 5 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गया? 3-4 दिन हो गया। और 3-4 दिन में भले ही बिहार सरकार इस बात का दावा कर रही हो कि ब्लैक फंगस को लेकर के जो जितने भी वैक्सीन्स हैं, जो टीके हैं और जो इंजेक्शन्स हैं उसे मौजूद करा दिया गया है, इंजेक्शन की हम बात कर रहे थे लेकिन हकीकत कुछ और है। 3 दिन से ये परिवार, ये जो आदमी हमारे साथ हैं, ये अपनी माँ को लेकर के ब्लैक फंगस की शिकायत है उसको लेकर के यहीं मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का हमेशा दिलासा दिया जा रहा है कि अभी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। बेड खाली होने के बाद ही, यानी कि बेड जो उपलब्ध होगा इसके बाद जो है उन्हें भर्ती ले लिया जाएगा। जुड़े रहे भारत लैब के साथ, क्या हकीकत थी भारत लैब की टीम आपको दिखा रही थी। जुड़े रहे भारत लैब के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।